हम कर रहे हैं वोटिंग। ये देखो यहाँ ज्योति भाई, ज्योति भाई ये खड़ दो, ले बैक कर दो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो करते हैं न्यू व्लॉग की शुरुआत, एंड व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। आपको दिख ही रहा होगा कि किचन में हूँ अभी, एंड सुबह का टाइम है, मॉर्निंग टाइम। अभी बजने को 8, एंड मैं हूँ फ्रेश, एंड झाड़ू वगैरह लगा दिया मैंने सबसे पहले उठकर, हाथ में झाड़ू लगा दी, उसके बाद मैं किचन में आ गई। अभी मैं बना रही हूँ चपाती, एंड सब्जी मैंने ऊपर चढ़ा दी है। तो क्योंकि सुबह इसके दादा भी जुट जाते हैं, पापा भी, हर्षुल को भी हम स्कूल भेजते हैं, तो इसके लिए भी हमें लंच तैयार करना पड़ता है। तो आज वैसे वो स्कूल नहीं जाएगा, हमने देख के आपको पता लग गया, पर ब्लॉग को एंड तक देखी। एंड इंटरेस्टिंग है प्लीज गाइस, एंड जो मेरी वीडियो को देखता है तो मेरे मुझे कमेंट करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो अभी मैं चपाती बना ली हूँ और मैं फिर आपको थोड़ी देर बाद। तो अभी हो गई हूँ मैं तैयार, एंड वो भी आ गए हैं मेरे से, हमें मना भी जा रहे हैं, हम जा रहे हैं गाड़ी में बैठ गए। एंड अभी यहाँ पे सुभाष है, हाय गुड मामा, हाय। कहाँ जा रहे हैं आप? चंडीगढ़। तो पट्टी करवाने गए हैं अपने, फिर उससे देख वहाँ पे चेकअप हुआ, तो अभी बैठे यहाँ पे, चलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइस चलते हैं अब सफ़र में, आगे वाला सफ़र अभी बहुत लंबा है। एंड ये हमारे ड्राइवर साहब जी, गॉगल लगा के, एंड इसको शर्म आ रही है। और अभी हम पहुंचने वाले हैं जाहू, जाहू यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर बचा है। और ये आया जियो का पेट्रोल पंप जो कि अभी यहाँ पे नया खुला हुआ है। और ये बदतमीज लड़का हमारा शिवांश हाय कर रहा है, और बस चल। और दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं भोटा, भोटा से रास्ता ऊपर को गया अपना शिमला के लिए बिलासपुर, और सामने चला गया सीधा हमीरपुर। और अभी हम जाएंगे बाईपास, क्योंकि ये अंदर से जो है थोड़ा ट्रैफिक रहता है मार्केट होके हुए। और ये हमारे ड्राइवर साहब गाड़ी चलाते हुए, और स्नैपी गर्ल सो गई है। रील्स बनाई एंड फोटोशूट की, तो अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं। हेलो एवरीवन, तो गाइस अब सफर में आगे चलते हुए ये
और हम पहुंच गए बाबा गरीबदास के गेट पे, और ये सामने दिखाई दे रहा है बाबा जी का मंदिर। यहाँ बहुत ही प्राचीन मंदिर है। आजकल तो खैर यहाँ पानी बहुत कम है, नहीं तो हमें यहाँ से मंदिर को जाने के लिए बोट लेनी पड़ती है। अगर आप गर्मियों में कभी आएंगे तो आपको यहाँ से बोट में जाना पड़ेगा, पर आजकल पानी का लेवल काफ़ी कम है, तो अभी आप मंदिर तक ही गाड़ी से या पैदल जा सकते हैं। नहीं तो ये जो पॉइंट पे अभी हम पहुँचे, यहीं से सामने मंदिर तक बोट लेनी पड़ती है, और मंदिर की लगभग आधे से ज़्यादा जो मंजिल है वो पानी में डूबी रहती है। और ये बैठे हुए हमारे भोले महादेव, देवों के देव महादेव, और ये बहुत ही पुराना और प्यारा मंदिर है। बहुत से लोग इसके बारे में जानते भी हैं, जो लोग नहीं आए उन्हें हम बता रहे हैं। बाकी आइए कभी टाइम निकाल के। और ये बैठे हैं हमारे भोले बाबा जी। और ये हम पहुंच गए हैं अभी भोले बाबा के चरणों में। ये बैठे हैं हमारे भोलेनाथ। अरे हम मंदिर के दर्शन करके भी बाहर आ गए हैं। भगवान हमारी और आप सबकी हर मनोकामना पूरी करें। आप लोगों को भी जब भी कभी टाइम लगे तो जरूर आइए, बहुत ही अच्छा मंदिर है। आजकल अगर आप आती हैं तो आपको अपनी खुशियाँ आ सकते हैं, नहीं तो आपको वहाँ जो सामने दिख रहा है पेड़ वहाँ से बोर्ड में आना पड़ता है, और यहाँ तक उस टाइम यहाँ पानी काफ़ी होता है, काफ़ी दूर तक आ जाता है। और ये जो मंदिर है इधर बहुत आधा पानी में डूब जाता है। चलो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आगे। तो गाइस अब हम वोटिंग करने जा रहे हैं, एंड व्यू देखो कितना ऑसम व्यू है।
कहाँ से फोटो लेता हूँ तो देख गलती तो गाइस ये था रायपुर तक ब्लॉग जो गोविंद सागर झील है वहाँ पे हमने वोटिंग की उसके बाद अब रायपुर से आगे वाला पार्ट सेकंड पार्ट मैं कल वाले ब्लॉग में डालूंगी तो अभी कंटिन्यू है सेकंड ब्लॉग ओके।